दूसरा से आगे लाल सूट है, लाल सूट में मैं पैदा हुई थी, 10 तक पढ़ाई करी है मैंने, उसके बाद 88 में मेरी शादी हुई, फिर हम 89 से जयपुर में रहने लगे हैं, फिर हमारे हस्बैंड SMS में डेली बेसिस में सर्विस करते थे, उनकी तनख्वाह थी 600 रुपये महीने, तो हमारा घर तो चलना मुश्किल था। मैंने एक फैक्ट्री में नौकरी करी, नौकरी करने के बाद मैंने फूल पत्ती का काम किया, मतलब बहुत मुश्किल से एक टाइम का खाना जुटाना भी बहुत मुश्किल था मेरा। फिर रात को 12-12 एक एक बज जाते, बूटियाँ काटते काटते पत्तियाँ बनाते बनाते, फिर हमने धीरे धीरे मतलब किसी के, मैंने घर पे भी काम किया है, अपने बच्चों को कपड़े तक पहनाने के लायक मेरी स्थिति नहीं थी, तो अरे ऐसा कोई मतलब घर में पंखे वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करते थे, किराए के मकान से रहते थे, किराया भी ऊपर चढ़ जाता तो रात को खाली करके भग जाते थे, 2-4 महीने का जैसे इकट्ठा हुआ किराया फिर भग जाना, क्योंकि स्थिति ऐसी थी कि नहीं दे पाते थे। और फिर रिश्तेदार तो बैठाना भी पसंद नहीं करते थे, तो बैठाएंगे कैसे, उनको ऐसे लगता था ये कुछ मांग नहीं ले हमसे। मैंने मेरे बच्चों को एक एक जोड़ी कपड़े में कैसे उनको बड़ा किया है ये मैं बता नहीं सकती। फिर एक समय ऐसा आया कि मेरे हस्बैंड किसी के यहाँ लाइट फिटिंग का काम करते थे, कूलर में फिटिंग, तो उन्होंने वहाँ का एक कारीगर काम करता था, उसने बोला कि शर्मा जी आप कूलर बॉडी बनाने लग जाओ, मैं बना दूंगा आपके यहाँ, तो उससे हमने 2 बॉडी बनवाई, तो हम एक चद्दर भी उठा के लाते थे। हमने AU बैंक से लोन लिया, 8 लाख का लिया था शायद, 8 या 10 लाख का लिया था शुरू में, एक एक दो दो कूलर बनाना चालू किया, उसके बाद हम अलमारी वगैरह ये सब फर्नीचर वगैरह सब चालू किया धीरे धीरे, फिर हमने खुद का हमारा कारखाना लिया है और उसमें भी हमने वहाँ से लोन लिया, हमें कोई लोन लेने में परेशानी नहीं हुई, और मकान का भी थोड़ा काम चला है, बेटी की शादी करी है, मतलब आज हमारे 1 करोड़ का बिजनेस हो जाता है समथिंग, मतलब आगे, और हमारे कारीगर भी हमसे खुश है, इस चक्कर ऐसे ऐसे उनको भी टाइम पे मिलते रहते हैं। मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, सारा बिजनेस मैं खुद संभालती हूँ, मैंने अलग से और 2 प्लॉट ले रखे हैं, और जब मेरे से बनता है किसी की सहायता करने के लिए तो भी मैं कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि AU बैंक से लोन लेके और महिलाएँ जैसी मेरी स्थिति जैसी महिलाएँ जो पीछे रह गई हूँ वो अपने हुनर से जो छोटा मोटा जो भी बिजनेस कर रही हूँ उसको लोन लेके आगे बढ़ाएं और वो भी तरक्की करें जैसे मैंने की है, और मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। आज मैं अपने बच्चे को IAS की तैयारी करा रही हूँ तो उसके लिए भी पैसा भेजती हूँ। पहले की सुमन शर्मा में और अब की सुमन शर्मा में तो बहुत अंतर है। आज मुझे शर्मा एयर कूलिंग के नाम से, मतलब शर्मा एयर कूलिंग नाम से जयपुर में बहुत कम लोग होंगे वो मुझे नहीं जानते हूँ, और राजस्थान के बाहर भी हम काम करते हैं। आज मैं अपने घर परिवार से, अपने बिजनेस से, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से बहुत खुश हूँ। इसके लिए मैं AU बैंक का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमें गर्व है सुमन जैसी लाखों ग्राहकों का साथ हम दे पा रहे हैं। आप भी जुड़िए AU बैंक से, चलो आगे बढ़ें।